जो कार्यक्रम हो रहा है महिला दिवस अंतर्गत, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी किन्नर के साथ, हमारे इस शो का जो नाम है, और विश्व महिला दिन अंतर्गत हमने ये शो किया है, उसमें करीबन आज हम कर रहे हैं स्पेशल इंटरव्यू। ये स्पेशल कैटेगरी में है और स्पेशल है ये, तो इनके साथ हम बात करेंगे जिनका नाम है राजवी जान, जो एक आत्मनिर्भर नारी किन्नर है, उनसे मैं आप सबको मिलवाने जा रही हूँ। राजवी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और आज हम आपसे बहुत कुछ जानने वाले हैं और काफ़ी चर्चा में रही है अभी आप, काफ़ी मीडिया पे, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, काफ़ी चैनलों पे आपकी जिस तरह से स्टोरी आई है, सब लोगों को ऐसी अपेक्षा होती है कि हम इनको नज़दीक से मिले, हम उनको जानने की अगेन कोशिश करें। तो हमने सोचा कि हम भी आज आपको सबके साथ लाइव आज मिलवा ही रहे हैं, और आपके साथ सब लोग जो आज दर्शक हमारे देख रहे हैं ये कार्यक्रम को, तो सबको आज ऐसा लगे कि हम नज़दीक से आपको देख रहे हैं, और आपकी जो लाइफ जर्नी रही है, आपकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, और इस महिला दिवस पे हमने आपको फर्स्ट इनवाइट किया है हमारे चैनल के द्वारा। लगभग 151 ऐसी वुमन्स है जिन्हों की मोटिवेशनल स्टोरी है, सक्सेस उसने कहीं ना कहीं कोई क्षेत्र में ली हुई है, कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर है। तो ऐसी ही महिलाओं का यहाँ पर इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, तो उसी में आज स्पेशल कैटेगरी में आपका ये इंटरव्यू है, और जिस तरह से आप है, तो सबसे पहले कुछ मैं एक विश्व महिला दिवस अंतर्गत ये शो हो रहा है, तो मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जिसने चाहा लिखा स्त्री पर स्त्री को कोई पढ़ नहीं पाया, और ऐसी ही हम मिलते हैं आत्मनिर्भर नारी किन्नर राजवी जान से। और मैम, आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मैं आपसे आज रूबरू मिल रही हूँ, और जानने की हम भी पूरी कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों भी पूरी कोशिश करने वाले, मतलब देखने वाले हैं कि आपकी जर्नी कैसे रही, आपको बिजनेस में सक्सेस कैसे मिली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से, और ये जो माहौल हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में ही हुआ है मेरे ख्याल से, तो बताइए हमारे दर्शकों को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता जी, एंड मेरे दर्शकों जहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं उसको जय माता जी, जय हिंद, जय भारत। मैं राजवी जान, एक नारी किन्नर। अगर मैं लाइफ की जर्नी के बारे में बात करूँ तो बचपन से ही जब एक बच्चा पैदा होता है, एक नर और नारी की बात करें हम लोग, और हमारे वहाँ पे भारत में नहीं, ऑल वर्ल्ड में, राइट, जेंडर्स, बहुत सारे जेंडर्स हैं, एक नर, एक नारी और एक अर्ध नारी, जिसमें एक किन्नर जिसे कहते हैं, राइट है। तो वैसे ही आज 34 ईयर्स बैक एक बच्चे के जन्म हुआ, और वो जन्म था मेरा, ठीक है। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, और समाज से थोड़ा बहुत मुझे छुपा के भी रखा था, यानी कि हर एक बात से, जैसे कि मैं अगर खेलने जा रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखती थी। और आई एम दी ओनली वन पर्सन ऑफ माई वन सन ऑफ माई फैमिली, लाइक मेरे मदर फादर के, मेरे मीन्स मैं एक ही एक लौता, यानी कि एक लौती में अगर बच्चा हूँ, और मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, यानी मेरे कोई सगे भाई बहन नहीं है, ठीक है। तो समाज के डर की वजह से पापा ने कहीं ना कहीं मुझे छुपा के रखा, और 32 ईयर्स तक मुझे एक लड़के की भेस में, यानी कि लड़के के कपड़ों में मुझे रहना पड़ा, राइट। बट जब आवाज़ उठी कि मैं क्या चीज़ हूँ और मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्यों मुझे ऐसे रखा जाता है और रखा गया है, राइट, तो मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे स्कूल में पढ़वाया, उन्होंने ट्यूशन क्लासेस चलाए, और ट्यूशन क्लासेस चलवा के मुझे जो पैसे थे उनसे स्कूल कॉलेज सब मुझे चलाया और मुझे पढ़ाया लिखाया। कहाँ तक पढ़ी है आप? मैंने बीए ग्रेजुएशन किया विथ इंग्लिश मीडियम, और मैंने एमसीए 2 सेमेस्टर किए हैं। बहुत बढ़िया जी, बताइए। तो एडुकेटेड हूँ मैं, और जब ये बात हुई कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो मैं आगे बढ़ी और मैंने पापा को बोला कि पापा मेरी ये आइडेंटिटी है और मैं ये हूँ, तो मीन्स आप समाज के सामने क्यों स्वीकार नहीं रहे हैं, ठीक है, आज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक हमारा भारत देश है वो पुरुष प्रधान, यानी कि
पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान में जो पुरुष कहते हैं वही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मॉम ने अपने आप से अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा और मुझे गले से लगा के मुझे बड़ा किया। ना मुझे कोई समुदाय में भेजा, ना ही कोई मंडल में भेजा, पर अपना एक बच्चा है वो छुपा के भेजा, छुपा के रखा और बड़ा किया, ठीक जी है। जब बात आई मेरी आइडेंटिटी की, जी ठीक है, जी तो मैंने फैसला कर लिया कि मुझे बस मेरे जो हों, क्योंकि अगर मैंने जेंट्स के कपड़े पहने हैं तो आई विल नॉट लुक लाइक अ जेंट्स, आप या समझ सकते हो, जी 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 राइट है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज ऐसा है कि अगर मैं जेंट्स के कपड़े पहन के अगर मैं घूम रही हूँ तो लोग गलत नजरिए से देखते हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे काफी बैड एक्सपीरियंसेस हुए और गलत एक्सपीरियंस भी हुए जो मैं अभी मेरे पास्ट को मैं याद करना नहीं चाहती हूँ, जी ठीक जी है। जी तो ये सब हुआ तो मैंने सोचा कि मैंने ये हमारा जो कहते हैं हमारा हम लोग बेग कहते हैं, यानी अगर मैंने तीन कपड़े पहने हैं तो लोग इज्जत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो जी मैंने ये सोचा कि अगर मैं मेरी खुद फुल आइडेंटिटी में रहूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अपनी जीवन जो है मैं जी रही हूँ, ठीक जी है। तो मैंने निश्चय किया और मैंने बोला कि मैं पापा मैं ये यही चीज़ में रहूँगी। तो पापा ने मुझे एक्सेप्ट करने में मना कर दिया, ओ ठीक है, जी एक्सेप्ट करने में मना कर दिया और बोला कि तू घर से निकल जा और तू कैसे रहता है और कैसे तू आगे बढ़ता है मैं देखता हूँ, ठीक है। तो एक रोता इंसान, एक रोता लड़का, जब एसी में सोने वाला, बड़े बेड पे सोने वाला, अलग रूम में सोने वाला, आज वो एक छोटे से एक बेड पे सोता है और पंखे के नीचे सोता है, जी ठीक है। तो ये मेरी एक कहानी है। जी और जी जब मैं घर यहाँ से घर से अलग हुई तो अब बैड एक्सपीरियंसेस होने लगे। मैंने रेंट पे घर देना शुरू कर दिया और घर पे रेंट देना शुरू कर दिया। तब ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ रेंट देने के लिए जाते थे तब वहाँ ऐसा हो गया कि लोग ना बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या किन्नर को, एक किन्नर भी इंसान नहीं है, इंसान के नाते भी लोग घर दे सकते हैं। जी यानी एक 10% की कम्युनिटी की वजह से पूरे किन्नर समाज बदनाम है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, किन्नर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, हमेशा आप हर एक को दुआ ही देते हैं, जी ठीक है। घर देने गई, पहले मैंने जो कहते हैं ना हम लोग टोकन देते हैं, टोकन दिया था मैंने। और टोकन के बाद मैंने बोला कि भाड़ा भी मैं दूंगी रेंट पे, और दलाल जो है दलाली भी दूंगी। तो मकान मालिक का फोन आया, बोले कि आप माता जी हो तो आपको आपको मीन्स रेंट में नहीं दे सकते। और मैंने बोला कि क्या समाज है, एक बाजू माता जी बोलते हैं, दूसरी बाजू ये कहते हैं कि हम लोग के माता जी को घर नहीं दे सकते। तो यानी कि आपके घर में बच्चा होता है तो आशीर्वाद देने के लिए आप सब आते हो, अगर कुछ काम बिगड़ा होता है तो उसके आशीर्वाद देने सब कोई आता है। पर बिल्कुल वही माता जी अगर आपके आम सामने, समाज के सामने अगर हाथ मिला के मदद मांग रही है तो क्यों कोई आगे नहीं आता है, समाज जी क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है। मुझे खराब अनुभव हुए और फिर मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो छोड़ा था तो उस हिसाब से वो टिकटॉक बहुत वायरल हुआ था वीडियो, और उसकी वजह से मुझे घर मिला, अच्छे से घर मिला। मैंने दलाली भी दी, टोकन भी दिया और रेंट पे भी रही। फिलहाल मैं अभी मेरी मम्मी के सोसाइटी में रहती हूँ जी और अच्छे से रहती हूँ, सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग। तो जी ये सब बहुत सारे और अभी भी फिलहाल ऐसा होता है कि किन्नर क्यों वो समाज में रह रहा है। हम लोग भी एक इंसान है, हमें एक समाज में ऐसा, मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग भी दूध में साकर की चीनी की तरह हम लोग मिक्स होना चाहते हैं, तो हम लोग को मिक्स होने दीजिए। क्यों हम बिल्कुल लोग जॉब नहीं कर सकते, क्यों हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, हम भी एक इंसान हैं, हमें भी एक मौका दीजिए। तो मैंने ये जी शहर से शुरुआत की और पापा को मुझे दिखाना है कि पापा मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है। सही तो बात मैंने है वहां से मैंने अपनी जर्नी, लाइफ जर्नी स्टार्ट की। जी। मतलब आप अपने परिवार का नाम भी रोशन करना चाहती हैं, यानी कि नाम परिवार का जो है, परिवार में जिस तरह से आप पली है, जिस तरह से आपने बताया कि मैं अच्छे खासे घर में, मतलब आपके परिवार में वाले मतलब स्टेबल होंगे, अच्छे से मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, जिस तरह से आपने बोला कि मैं अच्छे घर में रह रही थी और अच्छी जगह पे, बट अभी मैं एक बेड पे सोती हूँ और पंखे के नीचे सोती हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब एसी में रहने वाले जब पंखे के नीचे सोते हैं तो इनको कितनी तकलीफ होती है मुझे भी पता है। और जिस तरह से स्ट्रगलिंग लाइफ, जिस तरह से समाज में अस्वीकार होना और बैड इफेक्ट आना, ये सब संघर्ष की बात है। एक महिला को जितनी संघर्ष करनी पड़ रही है, इतनी संघर्ष आपने की है, ऐसा शायद इसे ज़्यादा की है ऐसा मैं मानती हूँ। अभी जिस तरह से मैंने आपकी स्टोरी सुनी, इसी की वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, दिख रहा है मुझे। बट मैं भी, हम लोग भी चाहेंगे कि आप जैसे लोग समाज में हैं, तो मैंने भी ऐसा सोचा कि मैं भी मेरे माध्यम से के द्वारा आपको आपके बारे में लोगों को बताऊं, लोग आपके बारे में जाने ज़्यादा। और ऐसे ही आप जैसे शायद कई लोग होंगे लेकिन बाहर नहीं आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस तरह से आपने अपनी लाइफ जर्नी की,
पापा ने जिस तरह से आपको बोला कि आप कुछ करके दिखाओ, ये सब आपने जो बात बोली, तो उसके बाद की जो जर्नी है, मीन्स के सक्सेस स्टोरी जो है, अभी अभी सक्सेस स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं, तो वो भी बताइए आप ओके जी। अगर सक्सेस स्टोरी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंसान कोई चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। जी एक मेल और फीमेल की बात करें तो थर्ड जेंडर की बात करें, ठीक जी है, तो हम लोग सब एक ही है। तो मैं ये चाहती हूँ, ये बोल रही हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर एक गट्स होने चाहिए, ठीक है। जी मैं सबके सामने ओपन हुई, यानी कि मैं मेरी आइडेंटिटी मैंने ओपन की, और उसके बाद फिर मैंने लाइफ जर्नी स्टार्ट की। तो मैंने एक शॉप खोली नमकीन की, ठीक वाह है, जी तो जिसका नाम मैंने जागृति नमकीन रखा, वो भी मेरे मॉम के नाम पे है। मेरे मॉम का नाम जागृति है, तो मैंने वो जी उनके नाम पे रखा, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही सब कुछ था, जी ठीक जी है। तो अब बात करें कि अगर मैं नमकीन की शॉप की, तो आपको ये प्रश्न होगा कि नमकीन की शॉप, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो नमकीन की शॉप कैसे ओपन की, जी जी राइट। तो मेरे 15 साल पुराना मेरा एक भाई है, यानी कि मैं उसको भाई मानती हूँ, ठीक जी है। तो जेके सोनी करके, जिग्नेश रानिंगा करके, उसने मुझे थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट किया और मैंने शॉप स्टार्ट की। और शॉप स्टार्ट करने के बाद कुछ 1-2 महीने हो गए थे, और मेरे पास कोई आवक का इनकम नहीं था, यानी कि मेरा कुछ जो हम वाह लोग कहते हैं ना, इनकम नहीं हो रही थी, यानी कि लोग आ नहीं रहे थे, बिकॉज मैं किन्नर हूँ, लोग आते घबरा रहे थे मेरी शॉप पे, और फिर आने में भी हिचकिचा कि इनको कुछ बोल दिया या फिर ऐसा कर दिया, ठीक है, या बद्दुआ दे दी। पर किन्नर किसी को बद्दुआ नहीं देते, मैं सिर्फ आपका सपोर्ट मांगती हूँ, ठीक है। तो मैंने 50 या 100 का इनकम हो रही थी मेरी, दिन का मुझे 50 या 100 का हो रहा था, ठीक है। तो इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल था मेरा, ठीक है। मुझे रेंट भरना था, मेरी शॉप का रेंट बना था, घर का रेंट बना था, घर चलाना था मुझे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी थी मुझे, जी ठीक है। तो मैं एकदम मायूस से हो गई थी। तो मैंने बताया कि क्या यही समाज है कि अगर एक किन्नर अगर मीन्स अगर स्टेप अप लेता है और आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है थर्ड जेंडर, तो क्यों उसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? लोग मैं हम लोग कोई एलियन नहीं है, हम लोग भी आपकी तरह एक इंसान है, सिर्फ थोड़ा सा अलग चेहरा अलग है हमारा, ठीक है। जी तो मैं और फिर उनके बाद पोपट भाई फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है, वो हमारे आगे आए, उन्होंने मुझे मीन्स अप्रोच किया था इंटरव्यू के, तो वो आगे आए हमारे लिए और उन्होंने मेरा काम देखा और उन्होंने मुझे इंटरव्यू देके मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा एक मेरा जो मोड़ था, सक्सेस का मेरा सबसे बड़ा मोड़ जो था, टर्निंग पॉइंट, वो था पोपट भाई फाउंडेशन से हुआ। तो जी थैंक्स टू पोपट भाई फाउंडेशन, जिससे मैं सक्सेस का मेरा एक मोड़ आगे बढ़ा, स्टेप हुआ। जी तो जी उनकी वजह से मुझे सपोर्ट मिला, लोगों ने देखा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा सपोर्ट मिला, तो मैं जो थी यहाँ पे जमीन पे, उससे मुझे 2 कदम ऊपर मैं बढ़ी, ठीक जी है, जिससे मुझे हिम्मत आई और मैं मोटिवेट ज्यादा हुई। जी और जी फिर काफी सारे वो देख के काफी सारे न्यूज वाले आए, मीडिया वाले आए, और फिर उनकी वजह से मैं थोड़ी आगे और मुझे हिम्मत मिली। तो मुझे लगा जी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और अगर जी मेरे पापा ये अगर देख रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ पापा मैं गलत ने काम नहीं कर रही हूँ, और आज जो ये जगह पे हूँ, बस आपने जो कहा था कि मैं कुछ करना करके दिखाऊँ, वो मैंने करके दिखाया है। जी बट जब आपका मुझे क्वेश्चंस वो भी मन में आ रहा है कि जब आपके आपके जेंडर को पता चला, आपने जब बोला कि मैं समाज में मेरा जेंडर ओपन करती हूँ, मैं स्वीकार कर रही हूँ मेरा, मैं जो भी हूँ, तो आपने माइंड में वो भी आया होगा कि मैं आपके ही जो समाज है उसमें जाने का आपने नहीं सोचा और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। तो इनमें जो डिफरेंट है तो वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि आपने वहाँ जाना नहीं चाहा और आत्मनिर्भर होने की कोशिश की, तो वो भी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँ तो मैं फैमिली से थोड़ी ज़्यादा अटैच हूँ, सब लोग होते हैं, ठीक है। और मैं जी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मुझे फैमिली कल उठ के मेरे पापा मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सोच रही थी कि नहीं, मैं जो कर रही मुझे करके दिखाना है उसको, जी ठीक है। तो मैंने क्यों, मैंने नहीं, एक देखो इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री और स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश में हर एक की सोच अलग होती है। तो मेरी सोच कुछ अलग थी, और स्वतंत्र देश में हर एक को स्वतंत्र रहने की आज़ादी है और कोई कुछ भी कर सकता है, जी ठीक है। अगर मैं अगर साड़ी पहनती है पहनना है तो वो मेरा हक है, मेरी जी चॉइस है, ठीक जी है। जी तो स्वतंत्र देश में, अगर स्वतंत्र देश में अगर कोई अपने कर नहीं सकता है, स्वतंत्रता नहीं रह सकता है, तो वो स्वतंत्र देश नहीं कहलाता है। तो इस वजह से हमारे देश को स्वतंत्र देश इसलिए कहा गया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं स्वतंत्र देश में। तो मैंने कुछ चाह, अलग चाह कि ये हमारा जी देश है, कोई भी लो ऐसा नहीं है कि मुझे इसके अंदर ही जाना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, तो मैंने खुद सोचा और मैंने जी खुद आगे बढ़ी। जी तो जी आज मेरी जो जॉब चल रही है, अच्छी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, पर मुझे थोड़ा सा
मेरे पे कर्ज भी है, ठीक है, मेरी सक्सेस जर्नी तो है ही, पर मैं बस सबको कहना चाहती हूँ कि आप मेरी जो शॉप पे आइए और खरीदी करिए, जिससे मेरे घर का गुजरान चलेगा, मैं शॉप का रेंट भर पाऊंगी और थोड़ा मेरा कर्ज जो है वो मैं कम कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जिस तरह से बात करते कि आत्मनिर्भर महिला, तो आज हम बात करते थे आत्मनिर्भर एक नारी की नर्स है, और जिस तरह से वो खुद खड़ी होकर, मतलब खुद एक बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहती है, तो हम लोगों को ज़रूर उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं भी हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगी हमारे माध्यम के द्वारा कि ज़रूर हम इनकी शॉप का आपको एड्रेस भी देंगे, और ज़रूर आप एक बार उनसे मुलाकात भी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा, और उनकी शॉप से भी थोड़ी सी अगर हम खरीदी कर लेते हैं तो उनको भी एक, मतलब जो जरिया है कि भाई एक सक्सेस वूमन का और सक्सेस बिजनेस का, बिजनेस की बात तो अलग है लेकिन आज के ज़माने में खुद का गुजरान चलाना, अगर कुछ बिजनेस नहीं चल रहा है तो नहीं चलता है। बट इन्होंने जो चाहा कि भाई मैं खुद मेहनत करूं और खुद कमाऊं, खुद खाऊं, और मुझे किसी के पास कुछ लेना ना पड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके लिए राजवी जी, हम भी आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, और ज़रूर आपकी जो शॉप आप चला रहे हैं वो कहाँ पे है, क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि लोग आपके वहाँ पे विजिट करें और ख़रीदी कर सकें। मेरी शॉप है सूरत में, अड़ाजन एरिया में है, अड़ाजन में अयोध्या नगरी रोड, भूमि कॉम्प्लेक्स के बाजू में, मेन रोड पे ही है, केदारनाथ अपार्टमेंट, ठीक है, केदारनाथ धाम और अपार्टमेंट दो है, पर मेरी भूमि कॉम्प्लेक्स के राजू फैंसी डोसा के लाइन में केदारनाथ अपार्टमेंट है, उसी के अंदर है शॉप नंबर 4, जागृति नमकीन का बाहर बोर्ड है और इलेक्ट्रिक डीपी है, वही मेरी शॉप है अड़ाजन सूरत जी। और मंडे टू सैटरडे खुली रहती है कि पूरा वीक चलती है, वो भी बता दीजिए, और टाइमिंग्स क्या है? ओके, मंडे टू सैटरडे मेरी शॉप चालू रहती है, और सुबह 10 से लेके शाम को 9:30 बजे तक मेरी शॉप चालू रहती है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, और संडे को मेरी सुबह 10 से लेके 2 बजे तक मेरी शॉप चालू रहती है। और आपकी शॉप में मिलता क्या है वो भी तो बताइए। सूरतीज है ना, हमेशा टेस्टफुल खाने के शौकिया, मीन्स ये होते हैं, ठीक है, एक चार रहती है, तो मेरे सारे ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें रहे, वो जो टेस्टफुल है, पापड़ा है, फिर गाठिया है, भावनगरी बड़ोड़ा की अपने पास भाकरवड़ी है, गोल्डन चेवड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टेस्टफुल जो हम लोग नमकीन के जो अंदर फर्स्ट टाइम मिल रहा है मेरे पास, नान खटाई है, पापड़ी है, चेवड़ा है, हर एक जात की भेद है, खाखरा है, सब कुछ चीज़ें मिल रही है। पर एक चीज़ बता रही हूँ आपको, या मीन्स अगर मेरी वहाँ से ख़रीदी करेंगे तो एक प्लस पॉइंट यह होगा कि आपके आपको मेरी तरफ से एक फ्री में आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि शॉपिंग भी कर पाएंगे और आपको फ्री में आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। और दूसरे के पास फैमिली है, मेरी कोई फैमिली मीन्स मुझे सपोर्ट नहीं है, तो मेरे वहाँ से करोगे तो थोड़ा सा एक मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा और आपको आशीर्वाद मिल जाएंगे। मतलब जिस तरह से आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, लोगों के साथ रहना चाहते हैं, वो भी अटैच भी लोगों के साथ आप पर्सनली हो जाएगी, ऐसा भी हो जाएगा। और हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप एक दिन, आज मैं जिस तरह से आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, इसी तरह एक ऐसे लेवल पे आ जाए और ऐसे सक्सेस नारी किन्नर बन जाए, तो वापस मैं आपका ज़रूर एक इंटरव्यू लूँगी। और बाकी जो भी बात करनी है और मिलना है पर्सनली, अगर आपको मिलना है तो ज़रूर आप उनकी शॉप पे भी जा सकते हैं। और राजवी जी, एक और बात कहना चाहूँगी कि हमारे जो समाज है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके वहाँ अगर मेरे जैसा बच्चा पैदा होता हो तो प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट करिए, समाज के सामने जाइए, डरिए मत, वो भी एक बच्चा ही है, आपका ही खून है, ठीक है, वो जैसा रहना चाहता है, अगर वो ऐसा वो जैसा है वैसा रहेगा तो वो बहुत आगे बढ़ेगा, उसको पढ़ाइए लिखाइए और कुछ से बिजनेस करिए, नौकरी अगर कोई नहीं दे सकता है पर बिजनेस तो कर सकता है ना, ठीक है। और मैंने अभी अभी जस्ट रिसेंटली न्यूज सुने हैं कि छत्तीसगढ़ में 15 ट्रांसजेंडर्स, थर्ड जेंडर्स अभी पुलिस कर्मी की उनको भर्ती मिली है, ठीक है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। यस, तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा सूरत सिंगापुर बनने जा रहा है, ठीक है, तो आप फ्री माइंड नहीं पर डेवलप माइंड करिए, ठीक है। और मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर LGBTQ कम्युनिटी है, जेंडर्स मेल और फीमेल की अलावा बहुत सारे जेंडर्स हैं, तो आप समझिए उसको, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा अगर लेस्बियन है, गे है,
थर्ड जेंडर है, ठीक है, ओपनली बात कोई नहीं करता है, बट एक थर्ड जेंडर की तरह मैं बात बता रही हूँ, तो प्लीज़ उसकी ज़िंदगी उसके उसके हिसाब से जीने दीजिए। आप सोसाइटी और समाज की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अगर कोई है आपका बच्चा अगर ऐसा है, ठीक है, तो किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करिए। मैंने यहाँ पे अभी काफ़ी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ देखा था जहाँ पे एक लड़के को दाब दबाव में आकर उसकी शादी करवाई गई, ठीक है, तो वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यानी उससे दो ज़िंदगी बर्बाद होती है, ठीक है, एक तो होती है लड़की की ज़िंदगी और एक होती है वो लड़का जो LGBTQ कम्युनिटी में से आ रहा है, ठीक है। वैसे लड़की होती है वो जो लेस्बियन होती है, ठीक है, जो उससे वो कोई लड़के की शादी करना है तो उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है ना, वो पूरी ज़िंदगी वो लड़के के साथ मीन्स हैप्पी रह सकती है, या फिर वो लड़का लड़की के साथ अगर हैप्पी रह सकते। तो समाज अपना नज़रिया बदलिए जिससे किसी की जान ना हो, क्योंकि हमारी LGBTQ कम्युनिटी बहुत इमोशनल होती है, पर समाज और परिवार की दबाव की वजह से लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं, राइट है, या तो फिर दब के पूरी जिंदगी रहते हैं और शोषण का मीन्स बनाव बना रहता है। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जो भी है वो ओपनली दिख जाना चाहिए, ओपनली बताना चाहिए, ताकि किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। और कोई आजकल सुसाइड के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ऐसे माहौल में ना आ जाए कि उनको सुसाइड करना पड़े। और जिस तरह से आपने संदेश दिया है, हमारे दर्शक काफ़ी आपके खुश होंगे। और जो भी अराजवी जी को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, लिख के में भेज सकते हैं उनको, वो मैसेज ज़रूर उनके तक पहुंच जाएगा। और दूसरा एक और संदेश आपको देना है, हमारा विश्व महिला दिन है, आ रहा है, मत के है, तो उसके लिए हमारी जो महिला है उनको आप क्या संदेश भी दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए। ओके, मैं एक ये बात बताना चाहती हूँ, वुमेंस डे पे नारी, नारी यानी एक नारी शक्ति, पार्वती का रूप, ठीक है, यानी एक शंकर भोजन का एक अर्धनारी रूप भी कह सकते हैं, जो मैं हूँ और मैं थर्ड जेंडर से, वैसे नारी शक्ति भी है, नारी जो अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनके जैसे तो शब्द भी कम है, वो तो हर चीज में माहिर है, ठीक है, और 24 आवर्स 24/7 हमेशा अपनी फैमिली के लिए तैयार रहती है, ठीक है। तो हर नारी को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, और बी हैप्पी, और जैसा जीना है आप जिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करिए। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि महिला दिवस पर महिलाओं को भी संदेश दे दिया, लेकिन मैं भी महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। तो जिस तरह से हमने आज राजवी जी का भी सम्मान भी किया, और आज इनकी बातों से जिस तरह से हमें लगा कि नहीं, ऐसे लोगों को समाज में एक स्थान मिलना चाहिए, और राजवी जी ज़रूर आपको स्थान भी मिलेगा, आप सक्सेस भी होंगी, और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी एक महिला हूँ तो मुझे भी आपका आशीर्वाद की बिल्कुल ज़रूर है, तो बिल्कुल मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। और राजवी जी, मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हम दूसरे वुमेंस डे पे काफ़ी सारी महिलाओं को मिलने वाले हैं। आज बट स्पेशल थी हमारी राजवी जी, क्योंकि वो है एक आत्मनिर्भर नारी किन्नर। तो जय माता जी, एंड वापस ऐसे ही लोगों से मैं मुलाकात करवाऊंगी, और भी सक्सेस वुमन जिसकी मोटिवेशनल स्टोरी है और सक्सेस रही है समाज में, और समाज में कुछ ना कुछ ऐसे काम करती है, ऐसी महिलाओं के साथ अगर मिलना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, और हमारी जो वेबसाइट है उसकी भी विजिट करिएगा, और हम ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।